तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन डबल कॉन्ग बिकॉज बहुत सारे लोग ये भी नहीं करते हैं ठीक है यार एक बात बताना चाहेंगे दैट बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना यार दैट वो खुद को गलियाना शुरू कर देते हैं इस चीज़ को लेकर देट दे प्रोक्रेस्टिनेट सो लॉन्ग ओके वो यार अपने काम को बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें लट से पाँच सौ वर्ड्स का कुछ ऐसे वगैरह लिखना होता कल पिछले दिन और दो दिन में उनका डेडलाइन है बट उन्होंने अभी तक इसको स्टार्ट भी नहीं किया दे प्रोक्रेस्टिनेट ओके और उसके बाद यार वो एब्यूज uh, करते हैं ख़ुद को वो खुद को पनिश करते हैं इस चीज़ के लिए दैट फाई दे आर नॉट एबल टू डू द वर्क एट द टाइम भाई इस चीज़ से अच्छा आप ख़ुद को मोटिवेट कर सकते हो यू कैन डू सम सेल्फ टॉक्स आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो खुद को काउंसल कर सकते हो दैट इट डज इन मैटर कि आपने एक दिन लॉस कर दिया ठीक है प्रोक्रेस्टिनेशन में आपके पास अभी भी दो दिन बाकी है ना यू कैन डू दैट ओके okay, प्रोक्रेस्टिनेशन एक हैबिट है जो कि ऑलमोस्ट एवरी वन को है राइट ऑलमोस्ट एवरी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग और खुद को गलियाना इस तरीके की चीजों में गाइस आपको एक बात बताना चाहिए जितना भी रिग्रेट का गिल्ट का डिप्रेसिव थॉट्स वगैरह होता है डिप्रेसिव इमोशंस वगैरह होता है दीज इमोशंस आर बेसिकली द ट्रेनिंग इमोशंस ओके जो आपके प्रोडक्टिविटी को आगे के आने वाले प्रोडक्टिविटी को भी मारने के लिए काफी होते हैं ठीक है थेके? तो सबसे पहली चीज हमें खुद को एब्यूज़ नहीं करना है हमें खुद को पनस नहीं करना है इस चीज़ के लिए वी हैव टू काउंसल आवर सेल्फ हम लोगों को यार खुद का काउंसलिंग वगैरह करना है ओके okay? हम लोगों को खुद को मोटिवेट करना है दैट कोई नहीं अभी का टाइम जितना गया गया आगे के टाइम में वी आर गोना डू समथिंग बेटर वी आर गोना ब्रेक द बॉल्स वी आर गोना ब्रेक एवरी सिंगल थिंग वी विल बी ब्लास्टिंग फ्रॉम टमोरो ओके और एल्स से वी विल बी ब्लास्टिंग जितने भी टाइम बचे हैं उसमें ठीक है दूसरा चीज़ यार ये आता है कि हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं वी प्रोक्रेस्टिनेट बिकॉज हम लोगों को लगता है दैट दर्स द थिंग इज़ टू हार्ड ओके एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बंदा स्केच करना चाहता है ओके okay? और उसने कभी उस तरीके का जबरदस्त स्केचिंग किया ही नहीं है बट उसे वो स्केच करना है ओके okay? और वो पहले से ज्यूम करता है दैट हम इस स्केचिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएंगे जो कि वन ऑफ द वेरी एडिएट वाला थॉट हो सकता है मेरे हिसाब से ठीक है बिकॉज इफ यू आर अ पर्सन जिसने आज तक स्केच पेंसिल्स को हाथ तक नहीं लगाया ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक बार उठाओगे और फाड़ के रख दोगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ओके दिस इज़ जस्ट को नाम बी अ टाइम वेस्ट ओके आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ और आप स्टार्ट ही नहीं करने वाले उस चीज़ को फिर आप बोलोगे हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं एंड ऑल काज डोंट लुक फॉर द परफेक्सन आप यार काम को करने के ऊपर ध्यान दो ठीक है क्योंकि बहुत ही फेमस है दैट यू कैन नॉट फिक्स समथिंग जो कि ख़राब ही नहीं हुआ ठीक है तो पहले काम तो करो यार खराब होने के लिए भी जरूरी है कि पहले आप उस चीज को करो ठीक है तीसरी चीज आती है यार डिवाइड एंड रूल अगर काम बहुत ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बहुत ही बड़ा सिलेबस कवर करना है अपने एग्जाम के लिए तो अब आप लोग क्या कर सकते हो यार या तो आप लोग ये सोचो कि हमको तीन महीने में दस चैप्टर कंप्लीट करना है या फिर आप ये सोचो कि हमको आज एक चैप्टर कंप्लीट करना है और अगर इसके बावजूद आपका जो ब्रेन है वो ट्रिगर नहीं हो रहा हो काम करने के लिए देन यू कैन अगेन से दिस दैट आपको दस आपको एक चैप्टर भी नहीं बल्कि आपको उस एक चैप्टर का केवल एक टॉपिक खत्म करना है ठीक है ओके इसको एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ भी समझते हैं लेट से दैट यू हैव प्लान टू स्टडी फॉर टेन आवर्स ओके आपने एक दस घंटे पढ़ने का प्लान बनाया और खुद को आप उसमें सेट करना चाह रहे हो तो ये कभी भी मत सोचो दैट यू हैव टू स्टडी फॉर टेन आवर्स ओके ऑलवेज थिंक दैट आपको अभी फिलहाल क्या करना है ओके यूज़ द फिफ्टीन मिनट रूल्स मतलब आप ये सोचो कि आपको दस घंटे नहीं आपको केवल पंद्रह मिनट पढ़ना है अगर इसके बावजूद आपका ब्रेन नहीं फोकस कर पा रहा है पढ़ाई पर इसके बावजूद अगर आपका ब्रेन आपको नहीं बना पा रहा है पढ़ने के लिए तो आप लोग क्या कर सकते हो कि इस दस मिनट को थोड़ा सा और कम कर दो ओके ये हम लोग केवल बेसिकली के ट्रिगर के लिए कर रहे हैं ऐसा मुझे समझना है था था आपको केवल पंद्रह ही मिनट पढ़ना है हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं सो दैट आप लोग एटलीस्ट बैठ सको ओके okay, आप लोग केवल स्टार्ट कर सको जो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो चेन था उसे आप लोग ब्रेक कर सको और राइट right, तो किसी भी काम को बड़े से काम को एक छोटे से चंक में तोड़ दो ताकि वो काम बहुत ही ज़्यादा छोटा लगे ओके okay, जिसके जरिए एटलीस्ट यार आप लोग स्टार्ट तो कर सको क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ही होता है कि अपने काम को टालना और राइट तो आप लोग यार एटलीस्ट इस चीज़ को तो ब्रेक करो एक बार स्टार्ट कर दो क्योंकि यार एक बहुत ही ज्यादा फेमस सेंग है दैट हंड्रेड माइल्स का जो जर्नी होता है ना वो एक सिंगल स्टेप से स्टार्ट होता है और उस स्टेप को लेने के लिए आपको कम से कम स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना समझ रहे हो आप लोग यार स्टार्ट करो धीरे धीरे हर चीज़ होता चला जाएगा ओके okay. अगर आप लोग पाँच छह घंटा पढ़ना भी चाहते हो ना एग्जाम्पल के तौर पर तो कभी भी खुद से ये मत बोलो दैट यू हैव टू स्टडी फॉर नेक्स्ट फाइव टू सिक्स आवर्स ओके okay, हाँ अगर आपको हैबिट है क्योंकि यार आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो द पावर ऑफ हैबिट ओके दैट आपको धीरे 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 शुरू करना पड़ता है अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि आधे घंटे एक घंटे दो घंटे पढ़ते हो एक दिन में तो दिस इज़ नॉट गोना बी पॉसिबल कि आप लोग अगले दिन छः घंटे या सात घंटे पढ़ सकोगे ठीक है ये चीज़ तो मतलब वाहियात से चीज़ हो गई वाहियात सी सोच हो गई जो कि अगर नहीं होगा तो फिर आप वापस से फालतू का डिप्रेशन में चल जाओगे एंगजाइटी में चल जाओगे कि आराम से पढ़ाई नहीं होता एंड ऑल ओके okay, तो आपको यार हैबिट नहीं है इस चीज का कि आप छह से सात घंटे पढ़ सकते हो तो आपको क्या करना है यार कि आपको एटलीस्ट स्टार्ट करना है ठीक है और उसके लिए आप कभी भी खुद से ये मत बोलो यार दैट यू हैव टू स्टडी फॉर फाइव टू सिक्स नेक्स्ट फिफ्टीन मिनट के लिए डीप फोकस स्टडी में जाने वाले हैं अब क्योंकि फिफ्टीन मिनट एक छोटा सा टास्क है आपका ब्रेन बोलता है चलो ठीक है कोई नहीं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये कर सकते हैं अब क्योंकि यार आपने टास्क को बहुत ज्यादा छोटा कर दिया आपका ब्रेन ये सोचता है कि चलो ठीक है नाउ ये एक ऐसा प्लान है जो कि थोड़ा हमको सेफ लग रहा है जो कि हम कर सकते हैं जिसमें कि हम फेल नहीं होंगे क्योंकि फेलियर का डर बहुत ही ज़्यादा होता है यार और ये तब तक नहीं जाएगा जब तक आप इसके ऊपर काम ना करो अब यार जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो है स्टार्ट योर डे विद द हार्डेस्ट पार्ट ओके और से द हार्डेस्ट टास्क यू हैव टू डू तो क्या करना है ना यार आपको कि जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है या फिर कह लो जो आपका सबसे ज़्यादा हार्ड टास्क है उस चीज़ को आपको सबसे पहले चूज़ करना है ठीक है दिन का शुरुआत करने के बाद कोई ऐसी चीज़ को चुनो जो कि आपके टू डू लिस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है नारे जब आप सुबह सुबह उठते हो या फिर शाम को रात को कभी भी जब आप सो करके उठते हो तो आपका जो ब्रेन पावर होता है क्रिएटिविटी करने के लिए या फिर प्रोडक्टिविटी के लिए हर चीज़ के लिए जो ब्रेन पावर होता है एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है उस समय और राइट तो किसी भी टास्क को अगर आप उस समय करने की कोशिश करोगे तो वो मतलब चांस उसका ज़्यादा रहेगा कि आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से कर सको रेदर देन आप उसे जब थक जाओ तब करो ठीक है तो जो हमारा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है या फिर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज टास्क है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला टास्क है उसे सबसे पहले करने की कोशिश करो और यार उसके बाद आता है यार खुद को मोटिवेट करने के लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम रखो ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर यार आप यूट्यूब पर तीन चार घंटे बैठ सकते हो आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ सर्टन टाइम ऑफ स्टडी और से uh, uh, आपके पास कोई दूसरा हॉबीज़ है जैसे कि स्केचिंग हो गया वॉकिंग हो गया या फिर फ्रेंड के साथ गप हो गया तो यू कैन डू एवरी बट आफ्टर अ सर्टन थिंग जो आपने गोल्स वगैरह सेट कर रखा है दिन का उन गोल्स के बाद आप खुद को एक रिवॉर्ड दे सकते हो और गोल्स को सेट करना टू डू लिस्ट की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं यार तो लेट मी टेल यू यार दैट यू हैव टू सेट अ पॉसिबल गोल जो कि यार आपके ब्रेन को थोड़ा पॉसिबल लगे ठीक है कुछ भी मत सेट कर देना इम्पॉसिबल चीज़ों को मत लिख देना क्योंकि फिर क्या होगा यार कि आपसे वो होगा नहीं और उसके बाद अगेन आपके पास एंगजाइटी है कि, कि आपने अपना खुद का जो गोल सेट किया था टू डू लिस्ट वही आपसे नहीं होता है ठीक है तो आई होप यार के वाला वीडियो में आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लगाओ कुछ चीज़ें आपको हेल्पफुल लगाओ अगर लगा हो यार और आप चाहते हो कि आपके सेल्फ ग्रोथ सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड और भी वीडियोज़ वगैरह लाते रहें तो सब्सक्राइब करना चैनल को ओके मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में बाय